नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। पवई थाना परिसर में आगामी त्योहार नवरात्रि ईद को लेकर सभी धर्म के लोगों एवं बुद्धिजीवियों की उपस्थिति में एसडीएम श्रुति अग्रवाल और एसडीओपी सौरभ रत्नाकर की मौजूदगी में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं उत्साह पूर्वक मनाने के लिए प्रशासनिक गाइडलाइन की जानकारी दी गई। बैठक में पवई नगर में जगह जगह गंदगी एवं बजब जाती नालियों की जानकारी प्रशासन को दी। गणमान्य नागरिकों ने नगर परिषद पवई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया, जिस पर एसडीएम एवं प्रशासक ने कहा कि शीघ्र ही मामले को संज्ञान में लेकर जनहित को देखते हुए उचित कदम उठाए जाएंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष तमाम से बात करो ना। अभी 9 दिन तक तो लगने चाहिए। नागरिकों की उपस्थिति में एसडीओपी साहब और पुलिस साहब की उपस्थिति में हमने सभी विभागों की बैठक करी है। इसमें अभी जो कमिंग फेस्टिवल्स हैं, जैसे हनुमान जयंती, अम्बेडकर जयंती, रामनवमी, इन सब में जो भी व्यवस्था हमें करनी है, जो भाषण की तरफ से व्यवस्था होती है, उसे सुनिश्चित करने के संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। साथ ही वहाँ पर पुलिस व्यवस्था किस तरह से रहेगी उसके संबंध में भी चर्चा करके। नगर में मैम सफाई और अतिक्रमण के लिए ये बड़ी अव्यवस्था बनी हुई है और ये कई बार बैठकों में कहा जाता है, लेकिन किसी की कार्रवाई ना होना थोड़ा सा। इस बारे में अभी आप सभी लोगों के द्वारा अवगत कराया गया, संबंधित विभाग से बात करके कार्रवाई का। पवई से खबर समय जगत के लिए सफी सिद्दीकी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।